जैसे ही आप अपने जियो का नेट ऑन करते होंगे, जैसे कि मैंने बंद किया, अब मैंने यहाँ पे इसे ऑन किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिस्टम लिख के आता होगा, उसके बाद साइन इन टू नेटवर्क, ठीक है, और यहाँ पे जियो 4G लिख के आ रहा होगा। अब ये आ क्यों रहा है, ये कैसे हटेगा, यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा इसके, ये क्यों आता है, दोनों तरीके काफ़ी अच्छे हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके जियो की सिम के अंदर रिचार्ज खत्म हो जाता है तब आपको इस तरीके से एक साइन नज़र आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, जैसे मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब मैं फिर से ऑन करूँगा तब ये देख सकते हैं इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से तब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका रिचार्ज है फिर भी ये साइन आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसे कैसे हटाना है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, उसके लिए देखो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबा के रखेंगे, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, अगर फिर भी सही नहीं हो रही है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी जियो की सिम है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जियो की सिम यहाँ ऑन होने चाहिए, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट नेम यहाँ पे मिलेगा, एक्सेस पॉइंट नेम, रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करके अपनी APN सेटिंग को रिस्टोर कर लेंगे। उसका दूसरा आपको काम करना है, कैरियर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर लिखा होगा, इस पर क्लिक करके 4G सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये आपको करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिचार्ज है फिर भी आपका इसी तरीके से आ रहा है, तो आपको 198 पे जियो कस्टमर केयर से बात करनी है, उनसे कहना है, नंबर देना है अपना जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अपने मोबाइल की सिम जो है जियो की मोबाइल में डली हुई है उसे निकाल के फिर से आप लगाएंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जियो का एक नेटवर्क है अलग, ठीक है, जहाँ से आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तो यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जियो ने एक अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला सिस्टम कि यहाँ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस की बना दूंगा। फिलहाल लेता हूँ मैं इस वीडियो में विदा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।